चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। ओहो, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और याद है आपको इसकी हीरोइन शांति प्रिया जी, और आज भी वो उतनी ही खूबसूरत है। आज पहुंची हैं वो हमारे ऑफिस और हमने की है उनसे एक खास मुलाकात। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये स्पेशल मुलाकात विद शांति प्रिया जी। मिलिए शांति प्रिया से, 90s के जमाने की हीरोइन जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म सौगंध से अपना डेब्यू किया, मिथुन चक्रवर्ती के साथ मेरे सदना साथ निभाना, फूल और अंगार और मेहरबान जैसी पिक्चरों में काम किया। इनकी बहन भानु प्रिया भी बॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी। फिर इन्होंने अभिनेता सिद्धार्थ के साथ शादी की और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। अब एक लंबे समय के बाद शांति प्रिया वापसी कर रही है OTT शो धारावी बैंक और सरोजिनी नायडू की एक बायोपिक में। 90s के जमाने में शांति प्रिया ने ढेर सारी तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों की बात करें, इनकी हिट फिल्में थी सौगंध, मेरे सजना साथ निभाना, फूल और अंगार, मेहरबान और आखिरी फिल्म थी इक्के पर इक्का। इसके अलावा इन्होंने टेलीविजन पर माता की चौकी और विश्वामित्र नाम के सीरियल में काम किया था। ये आखिरी बार टेलीविजन पर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णा के सीरियल में नजर आई थी। शांति प्रिया आज सास बहू और बेटिया के दफ्तर आई हैं। यहाँ पर वो एक खास लुक ले रही हैं। वो हमारे साथ बातचीत करेंगी और उन्होंने ये भी देखा कि हमारे दफ्तर में कैसे स्टोरीज बनती हैं। शांति प्रिया ने अपनी आखिरी स्टोरी जो उन्होंने हमारे साथ की थी वो भी देखी, हमारे ऑफिस का जायजा किया और हमें सुनाई अपने करियर और कमबैक की कहानी। आपको फिल्म याद होगी ओम शांति ओम, और उसमें एक हीरोइन थी जिसका नाम था शांति प्रिया, जिसने कहा था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो आज मैं आपको रियल लाइफ शांति प्रिया से मिलवा रहा हूँ, प्रेजेंटिंग शांति प्रिया। आपने इनको पहचाना होगा, अक्षय कुमार जो आजकल के पॉपुलर हीरो, उनकी फर्स्ट हीरोइन शांति प्रिया आज हमारे साथ है। 90s की ढेर सारी फिल्में, तमिल, तेलुगु और TV सीरियल्स भी। इनफैक्ट शांति प्रिया ने अपना डेब्यू TV सीरियल के साथ ही किया था। तो आज शांति प्रिया से हम ढेर सारी फिल्मों की बातें करेंगे, इनके करियर की बातें करेंगे। तो शांति, वेलकम टू आवर ऑफिस। यस, थैंक यू वेरी मच अमर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माय ग्रेट प्रेशर एंड ऑनर टू बी इन योर ऑफिस टुडे। शांति, बताएं आपको पहली बार हमारा ऑफिस कैसा लगा? यहाँ जो पूरा मुंबई जो सपनों की दुनिया है यहाँ दिखाई देती है। बहुत 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 अच्छा लगा आपका ऑफिस, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू बी इन अ न्यूज़ चैनल्स ऑफिस, एंड आई एम सीइंग द कियोस गोइंग ऑन हियर, एंजॉयिंग एवरी बिट। बट यू आर रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं आप, इसीलिए आप इतना अच्छा खबर और न्यूज़ आप दिखाते हैं हम लोग को। एंड येस, हियर आई एम सीइंग द फुल बॉम्बे फ्रॉम योर ऑफिस, एंड इट लुक्स टोटली अमची मुंबई। शांति प्रिया के करियर की बात करें तो 1980s के दौरान शांति प्रिया ने अपना डेब्यू अपनी बहन भानु प्रिया के साथ एक दूरदर्शन की टीवी सीरियल विश्वामित्र में किया था, जहां पर वो बनी थी शकुंतला। 80s के दौरान में दूरदर्शन का ये सीरियल बहुत हिट हुआ था और वहीं से हिंदी दर्शकों की दुनिया में शांति प्रिया के अभिनय की शुरुआत हुई। इसी सीरियल के बाद शांति को मिली उनकी पहली हिंदी फिल्म सौगंध, जिसमें एक न्यू कमर ने डेब्यू किया जिसका नाम था अक्षय कुमार, और वो आज तक फिल्मों में काम कर रहा है। शांति प्रिया के बारे में बता दूं, हिंदी फिल्मों में इन्होंने अपना डेब्यू किया था फिल्म सौगंध से, जहां पर इनके हीरो थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी और शांति प्रिया की पहली फिल्म नहीं थी, क्योंकि इन्होंने एक टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया था जिसका नाम था विश्वामित्र। तो शांति, कैसी थी वो आपकी पहली फिल्म सौगंध? अक्षय कुमार तब न्यू कमर थे, लेकिन आप ऑलरेडी टीवी से लोग आपको पहचानते थे, तो कैसे था हिंदी फिल्मों में ब्रेक मिला आपको? मुझे हिंदी फिल्मों में ब्रेक विश्वामित्रा देख के, टेलीविज़न देख के मुझे ब्रेक मिला था। एंड यस, आई एंजॉयड बिकॉज आई वाज आल्सो न्यू फॉर द मूवी, हिंदी मूवीज़, बट नॉट डाउन साउथ। मैंने बहुत कुछ किया है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट आई थिंक 20-22 मूवीज़ मैंने बहुत किया कर दिया है। एंड यस, एंजॉयड एवरी बिट विद द न्यू कमर अक्षय कुमार, एंड यस डडू जी, राजसिपी जी,
And yeah, the character which I portrayed as Chand, it was a fabulous character. जो first picture के लिए और वो भी हिंदी picture के लिए मुझे जो character गया है और मुझे चुना है director ने, I'm very very happy for that. And it was a nice challenging character. मुझे जो टॉम बॉयश और हाथी में आना, फिर बाद में अक्षय मुझे चेंज करके एक फीमेल जैसा बनाना, साड़ी पहनना, I enjoyed every bit of it, yes. अक्षय कुमार आज इतने बड़े एक्टर बन गए, उस वक्त हाउ वाज ही, वाज ही, मतलब क्या लगता है उनकी सक्सेस क्या राज देखती हैं आप? आई एम वेरी वेरी हैप्पी, उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है. ये जो अभी जो वट एवर द हाइट ही इज इन, ही डिजर्वड इट, एंड ही हिज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही रियली वर्कड हार्ड. ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हुम आई नो इज वेरी जेन्युइन सिंसियरिटी, नॉट जेन्युइन, इट्स नॉट जेन्युइन, इट्स सिंसियर. ही इज़ सिंसियर टूवर्ड्स हिज वर्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर इंडस्ट्री, क्योंकि इसके पहले मैंने 15-20 पिक्चर्स कर चुकी हूँ, एंड वेन आई सॉ हिम एज अ फर्स्ट मूवी हीरो, ही वॉज ईच एवरी सीन हो, डिस्कशन करना आर्टिस्ट के साथ और मेहनत करना. डांस उनका इतना अच्छा नहीं था, तो ही यूज़ टू प्रैक्टिस, एंड जब भी मैं डांस प्रैक्टिस करती थी तो ही यूज़ टू से नो शांति, यू सिट डाउन, मैं पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ, फिर बाद में आप आके ज्वाइन होना. बट देन आई यूज़ टू से नो, वी बोथ विल डू टुगेदर. सो हम दोनों करते थे, एंड ही एवरी फाइट तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ही वॉज लाइक किंग इन फाइट. बट डांस, यस, ही यूज़ टू रियली वर्क हार्ड फॉर डांस, एंड इवन डायलॉग्स, एवरीथिंग, ईच एंड टाइम. तो माई गॉड, मॉर्निंग, एंड डड्डू जी 7 o'clock शिफ्ट मीन्स वी वेर ऑल अराउंड 6 o'clock विथ मेकअप ऑन द सेट. ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, दैट्स वॉट हिज पेड हिम ऑफ. वेरी डिसिप्लिन, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, सो दैट्स पेड हिम ऑफ वेयर ही इज टूडे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. वैसे शांति प्रिया का नाम फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में यूज किया, जहां पर दीपिका पादुकोण के किरदार का नाम रखा गया था शांति प्रिया. इसी फिल्म से दीपिका ने बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन शांति प्रिया को इस बात का दुख है कि उनके नाम को यूज किया इस फिल्म में और उनसे परमिशन भी नहीं ली. और आज इतने सालों बाद उन्हें इस बात का मलाल होता है कि आखिरकार फिल्म बनाते हुए किसी भी फिल्म मेकर ने उनसे किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं किया था. ओम शांति ओम में आपके नाम को यूज किया दीपिका पादुकोण शांति प्रिया बनके, पर आपसे परमिशन ली थी क्या फराह खान ने यूज करने के लिए? ये बिल्कुल नहीं लिए है, बहुत दुख हुआ है. बहुत लोगों ने बोला था यू शुड गो एंड कंप्लेन एंड ऑल, बट फाइनली आई वुड लव, आई एम सॉरी इफ इट इज राइट राइट और रॉन्ग, आई वुड एक्चुअली लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्शन पर्सन और शाहरुख जी और फरहान जी, एनीबडी वुड एटलीस्ट पिक अप अ कॉल एंड टोल्ड मी दैट वी आर यूजिंग योर नेम, बट नोबडी डिड दैट. एंड मस्ट बी एज यूजुअल ऑलवेज, अपना जो इंडस्ट्री क्या है, एक ही चीज़ मैं बोल सकती हूँ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. फिर जब भी कोई रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, फिर उनको गलत दिखाते हैं, अरे ये इसने बहुत हंगामा कर दिया है यार, नहीं तो उसने बहुत हंगामा कर दिया. नहीं, किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, ये हम लोग सब एक परिवार है. सो परिवार को सब साथ में रहना चाहिए. सो उनका परमिशन लो नहीं लो, एक फ़ोन उठा के बोल सकते हैं एटलीस्ट, ओके मैं इंडस्ट्री में नहीं थी बट आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एटलीस्ट यू ऑल कैन टेल दैट येस वी आर यूजिंग योर नेम, और क्रेडिट में एटलीस्ट यू ऑल हैव पुट माई पिक्चर, वट एवर एज अ जस्ट I would have been really very happy, but somewhere that ins me. And जो स्टोरी दिखाया है, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा था इज़ दिस योर स्टोरी, आई सेड मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, वेरी मच आई एम अलाइव, बट यस दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडस्ट्री. शांति प्रिया की फिल्मी करियर का एक बहुत हिट गाना था फूलों रंगार का चोरी चोरी दिल तेरा चुराना है. शांति प्रिया ने ढेर सारी फिल्में मिथुन चक्रवर्ती के साथ की, और अब वो इतने सालों बाद सुनील शेट्टी के साथ अपने वेब शो में कमबैक कर रही हैं. तो जानते हैं कैसा था शांति प्रिया का फिल्मी करियर. मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनका एक गाना था चोरी चोरी दिल तेरा चुराना है, फूलों रंगार बहुत हिट हुई थी. उसके अलावा अक्षय के साथ आपने एक फिल्में की और भी आपने फिल्में की, बट फिर अचानक आपने शादी कर ली. सो हाउ वाज लाइफ आफ्टर सौगंध?
आफ्टर सौगंध यस आई वॉज वेरी बिजी बिकॉज सौगंध खत्म होने के पहले ही मैंने फूल और अंगार किया शुरू किया था साइन किया था फिर वापस डड्डू जी का सेकेंड पिक्चर एक के पे एक का किया था देन अगेन मेहरबान आए थे फिर मेरा सजना साथ निभाना आए सो इट वॉज ऑल बिजी एंड आई वॉज ऑलवेज इन दैट सेम फैमिली सो आई वॉज मुझे कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ दैट आई एम डूइंग अ हिंदी मूवी एंड विथ हिंदी पीपल एंड हिंदी नॉर्थ इंडियंस के साथ बिकॉज द एटमोसफियर वॉज लाइक almost like a south atmosphere because punctuality daddu ji punctuality and ravi shankar ji and either salim akhtar ashok gaikwad ji so everybody was from the same school timing ka upar discipline punctuality so that was like for me like another chennai mein hi shooting kar rahe sirf language alag tha hindi mein baat kar rahe the but it was too good and of course dada to oh my god he was darling bhanu priya jinhone hindi filmon mein bahut kaam kiya तो भानुप्रिया आई थिंक सबसे पहले फिल्मों में आई एंड समवे शी ऑलवेज बीन योर इंस्पिरेशन येस शी इज़ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी फ्रॉम एक्टिंग फ्रॉम मेकअप फ्रॉम स्टाइलिंग एवरीथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम हर येस एंड इवन टुडे वॉट एवर वी आई एम टुडे आई ओ हर इन माई प्रोफेशनल वाइज येस इट इज़ टोटली टू हर द क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज जो आपने अभी मैं जो मेकअप आपने किया मैं खुद मेकअप करती हूँ सो ये भी मैंने उनसे ही सीखा है उन्होंने मेहनत किया सीख उन्होंने खुद ट्राई करते गया है ये टोन वो टोन ट्राई करके फिर मैंने आके सिर्फ सीख के गया था देन आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन मेकअप यस फिर आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव था जब आपने शादी की वो भी एक अभिनेता थे मिस्टर सिद्धार्थ जिन्होंने हमें ढेर सारी अपने फिल्मों में देखा है तो आपकी और सिद्धार्थ जी की मुलाकात कहाँ हुई मैं और सिद्धार्थ जी के मेरा और सिद्धार्थ जी के मुलाकात हम लोग ने फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन नाइट किए थे दैट ईयर आई थिंक 92 में फिल्म फेयर अवार्ड्स जो होस्ट किया है उस टाइम में All newcomers were performing that year in 92. So, मैं और सिद्धार्थ जी ने हम का गाना में कागज़ कलम वी हैव परफॉर्म्ड ऑन दैट सॉन्ग जो शायद गोविंदा जी ने किया है सो वी डिड द स्टेज परफॉर्मेंस एंड जब प्रैक्टिस में जाना आना और भी इन बीच में हम लोग अंधा इंतकाम करके एक पिक्चर स्वरूप कुमार का एक पिक्चर साइन किया था तो उस दौरा से फिर दिस प्रैक्टिस में इश्क विश्क हो गया प्यार हो गया और फिर शादी कर दिया बस करियर ऐसी छोड़ दिया अचानक छोड़ दिया मैंने वो अभी एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए था गलती कर दिया छोड़ के बट नहीं वापस आ गई हूँ मैं सो नाउ आई विल कवर अप बाय डूइंग ऑल 365 डेज व्हाटएवर आई लेफ्ट दोस डेज आई विल कवर अप एंड यस आजकल OTT का जमाना आ गया मैंने सुना आप OTT में भी आ रही हैं आपने TV सीरियल से भी कमबैक किया था माता की चौकी तो थोड़ा बताएं जब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो लाइफ कितनी मुश्किल हो गई थी कैसे आपने संभाला परिवार को बच्चों को खुद को और करियर भी आप वापस किया तो थोड़ा मुश्किल होगा बहुत बहुत मुश्किल हुआ था बीइंग इन बॉम्बे नॉट अ बॉम्बे बीइंग अ साउथ इंडियन वो बहुत ट्रेडिशनल और बॉम्बे में दो बेटा शुभम और शिष्या दोनों और उनको लेके आना पढ़ाई में ध्यान देना बिकॉज साउथ बॉम्बे में मैं रहती हूँ सो लाइफ इन साउथ बॉम्बे इज़ टोटली डिफरेंट व्हाट कंपेरेटिवली टू अदर साइड ऑफ बॉम्बे सो बीइंग अ सिंगल पेरेंट थोड़ा मुश्किल हुआ था सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न आई हैव नॉट कम बैक दैट पीरियड so with my family support yes my mother my brother my sister all of them without their support I would have not been what I am today aur mera dono beta nahi hota tha itna jo abhi unka jo bhi kamyab chal raha hai unka matlab whatever they are achieving right now in their career so yes and now I said it's my time आई मी माई सेल्फ क्योंकि अभी वो एक बेटा 27 एंड दूसरा 24 है सो मुझे लगा अभी मेरा टाइम है सो मैं अभी वापस आ गई हूँ इंडस्ट्री में मैं जिधर बिलीव वेयर आई बिलोंग टू मैं आ गई वापस शांति प्रिया हमारे दफ्तर में आई और भावुक हो गई लेकिन जब उन्होंने हमारी एडिट मशीन्स को देखा हमारे स्टूडियो का जायज़ा लिया उनकी ढेर सारी मेमोरीज याद आ गई क्योंकि जब उन्होंने पहले हमारे साथ ढेर सारी स्टोरीज जो की थी तो शांति प्रिया के साथ हमारी कुछ मेमोरीज हमने इनकी स्टोरी की थी इनके घर की आज ही आपको वापस हम दिखा रहे हैं व्हाट मेमोरीज ऑफ योर एसोसिएशन विद अस विद योर ओह दैट्स अ ग्रेट एसोसिएशन बिकॉज योर आर द वन हु डिड माय हाउस ब्यूटीफुल हाउस एंड And even introduce both my sons to the audience.
ब्यूटिफुल मेमोरी एंड नाउ ऑल्सो दे हैव वेन एवर दे गो आउट इज लाइक फ्यू पीपल्स आर लाइक हाँ ये दोनों बच्चे तो शांति प्रिया का आज तक का इसमें आए हैं यू नो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरी थैंक यू. अभी आपके बेटे भी इस फील्ड में उतर रहे हैं दोनों भी क्या कर रहे हैं आपको क्या लगता है इंडस्ट्रीज वो आपने शुरू की थी वेन यू स्टार्टेड हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड एंड नाउ फॉर द न्यूकमर्स देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हाट डू यू फील. Really very happy because newcomers have lot of opportunities. Not only newcomers, even we like me. When we did in 90s, ek bar shaadi ho gaya to then when we try to come back, it is only bhabhi, nahi to ma characters, nahi to dusra behan characters. But now the industry has changed a lot, so I don't need to play only mother or bhabhi. Even like for my character, for me, for my age also, there are nice, beautiful central characters come. So the industry is one way. Industry has changed very good. For the artist and the other way there are other things which have changed which is okay that time I feel like 90s were much better off. तो 90s की इस अभिनेत्री की जिंदगी एक बार फिर से बदलने वाली है क्योंकि अब ये वेब की दुनिया में अपनी एंट्री कर रही हैं. फिल्मों और टीवी का लंबा सफर शादी बच्चे पति के जाने के बाद कैसे खुद को संभालना और अब जिंदगी की एक नई शुरुआत. तो शांति प्रिया की लाइफ काफ़ी इंस्पायरिंग है. तो शांति प्रिया को उनके नए OTT शोज के लिए ऑल द बेस्ट और उम्मीद है शांति प्रिया के साथ हमारे दफ्तर वाला ये डे आउट आपको पसंद आया होगा. मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.